हाँ तो देखिए, क्लास 12th वाले जो भी बच्चे हैं हमारे, ठीक है, हमारे नहीं मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका ये जो है नेक्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, पार्ट टू का जो है ये लेक्चर नंबर 3 है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आपको पढ़ाया जा रहा था, ठीक ना। कोरोना डिजीज़ की वजह से जो है वीडियो जो है शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं आपके साथ हूँ, ठीक ना, आप भी हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए तो हमने वहां पे जो है देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, यही देख रहे थे, ठीक ना। तो पहला हम देखे थे ऐसे कंपाउंड जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे उस कार्बन का, ठीक ना, जिससे हमारा जुड़ा हुआ था हेलोजन एटम, ठीक ना। अब हमको देखना है कि अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, यानी कि जिससे हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यानी एक्स जुड़ा हुआ है, ठीक ना, वो क्या है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। हमारा क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब जो है देखिए कि जो हमारा कार्बन है, ठीक ना, वो एक डबल और दो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे ये हमारा कार्बन है ना, देखिए ये एक डबल बॉन्ड से और ये एक सिंगल एक्स के साथ बना रहा है और एक ECH के साथ भी सिंगल बना रहा होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना वो sp2 हुआ, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है और इसी से हमारा जुड़ा हुआ है क्या x, ठीक है। तो इनके बेस पे जो है हमारा जो कंपाउंड है इनको दो प्रकार के हैलाइड्स में बांटा गया है, ठीक ना। एक होता है हमारा क्या, देखिए एक होता है हमारा वाइनिलिक हैलाइड्स। क्या होता है वाइनिलिक हैलाइड्स, ठीक ना, तो वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी ये हाइड्रोजन एटम है ये डायरेक्टली जुड़ा होगा डबली बॉन्डेड कार्बन से, डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा डबली बॉन्डेड कार्बन से। जबकि हम लोग एलाइलिक में क्या देखे थे, एलाइलिक हैलाइड में हम देखे थे कि हमारा कार्बन एटम जो है वो किसी दूसरे वाले कार्बन एटम से जुड़ा है जो कि डबली बॉन्डेड है, और हमारा जिससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ था वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज था। यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, ठीक ना, और उसी कार्बन से डायरेक्ट हमारा जुड़ा होगा कौन, हमारा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो है जो भी यहाँ पे ऊपर वाला कंपाउंड दिख रहा है ये सभी के सभी जो भी हमारे हाइलाइट्स दिख रहे हैं इनको वाइनिलिक हाइलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाइनिलिक हाइलाइट्स बोलते हैं। और एक होते हैं हमारे एरिल हाइलाइट्स। क्या होते हैं एरिल हाइलाइट्स। एरिल हाइलाइट्स से क्या होगा कि हमारा जो हेलोजन एटम होगा ना इट इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, या बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, यानी कि हमारा हाइड्रोजन एटम जो है देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है इस बेंजीन से, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है हमारे इस टॉलुइन से, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है हमारे फिनोल से, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी हमारे हैलाइड्स दिख रहे हैं, ठीक ना, ये क्या है हमारे, तो ये हमारे एरिल हैलाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एरिल हैलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हो सकता है कि ये OH मतलब हम अपने पास से ले लिए हैं, ठीक ना, OH आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली CH3 लिख सकते हैं, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे है और ये जो है आपका पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद से जो है हमें जो है नामन क्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड हेलो एरिन्स, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नामन क्लेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो तब तक आप इसको जो है क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके और, ठीक ना, और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप लोग, ठीक है। वीडियो में छोड़ता हूँ 2 सेकंड के लिए।